भागलपुर सुल्तानगंज में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ने से शाहबाद, कस्माबाद, गंगापुर, बैकंठपुर, दुधैला, मोतीचक एवं अठगामा, किशनपुर, खरैया, अकबर नगर, गंगनिया के बाढ़ पीड़ित लोग ऊंचे स्थान की तलाश करते हुए अपने क्षेत्रों के मध्य विद्यालय में रहना शुरू हो गया है। इस दौरान भारतीय सब लोग पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी रवि सुमन कुमार उर्फ अरुण मंडल ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों को जायजा लेते हुए कहा कि बैकंठपुर, शाहबाद, दुधैला, कस्माबाद, दियरा क्षेत्र के लोग पलायन होकर नगर परिषद क्षेत्र के अब्जुगंज पंचायत के वार्ड 10, 11, 12 एवं 13 में रोड के किनारे शरण लेकर खुले आसमान में पशुओं को देखभाल कर रहे हैं। साथ ही कस्माबाद मध्य विद्यालय में शरण लेना शुरू हो गया है। इस मामले को लेकर भारतीय सब लोग पार्टी के नेता रवि सुमन ने दूरभाष पर अंचलाधिकारी शंभु शरण रॉय को अवगत कराने पर व्यवस्था देने की बात कही। इस दौरान भारतीय सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता श्याम कुमार सुमन, अनुरंजन दास, अंजनी कुमार, विक्रम कुमार सहित इत्यादि कार्यकर्ता और बाढ़ पीड़ित मौजूद थे। क्यों आए हैं वहाँ, क्या हुआ था वहाँ? तो हर चीज डूब गया, बसाव सब दबा गया, इसलिए आए हैं गंगा का जल स्तर से। जी तो आप लोगों को क्या व्यवस्था अब तक मिला है? कुछ कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, नहीं। कितना जानवर है यहाँ आप लोग लेके आए हुए हैं? जानवर लमसम 300 जानवर रखिए, 150 किसान रखिए। जी जी, सभी लोग आए हुए हैं? सभी लोग, सभी लोग यहीं शरण लिए हुए हैं विद्यालय में। क्या नाम हुआ? श्याम सुंदर मंडल। मेरा नाम पल्लव रवि सुमन कुमार और अरुण मंडल, भारतीय सब लोग पार्टी का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। सभी लोग दियारा से आए हुए हैं गाय भैंस लेकर, क्योंकि दियारा पूरी तरह जो है कि जलमग्न हो गया है, वहाँ रहने के लिए कहीं किसी का जो है कि जगह नहीं बचा हुआ है। इसी कारण रोड के किनारे सभी लोग शरण लिए हुए हैं। शरण जो लिए हुए हैं, लोग के न तो खाने की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है, न पशु के लिए कोई व्यवस्था है। लोग ऐसे भूखे प्यासे रोड पे जो है कि टवा रहे हैं, बौख रहे हैं, आप जो कि देख रहे हैं अभी। इसलिए जो है कि सरकार से हम यथाशीघ्र चाहेंगे कि यहाँ पर व्यवस्था किया जाए। सुल्तानगंज सीओ साहब से भी बात किए हैं तो बोले कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, अब देखते हैं कब तक व्यवस्था करते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।